चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास फिर बेनतीजा खत्म हो गया। मेंबर सिंध और बलूचिस्तान की अदम मौजूदगी के बायस इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सका। जराए के मुताबिक इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के लिखे गए खतूत का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जानिब से शुरका को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के मुताबिक स्पीकर्स के खतूत के मामले पर आईनी और कानूनी माहरीन से राय ली जाएगी। 14 से 16 अक्टूबर तक तातीलात के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सका। जराए के मुताबिक इजलास में कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के लिखे गए खतूत का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जानिब से शुरका को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फैसला किया कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के मुतालिक स्पीकर्स के खतूत के मामले पर आईनी और कानूनी माहरीन से राय ली जाएगी। 14 से 16 अक्टूबर तक तातीलात के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास दोबारा होगा।